तो Xiaomi जो है बजट फोन निकालते रहता है, पहले इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी 4A, 5A, 6A और अभी जो फिलहाल चाइनीज वेबसाइट जो है टीना वेबसाइट उसके अंदर जो है इसकी स्पेसिफिकेशन और जो सारी डिटेल्स है वो लीक हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग को कन्फर्म जो न्यूज़ मिल चुका है कि 7A आने वाला है और उसकी सारी स्पेसिफिकेशन हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी किक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। अगर अच्छा लगता है ये कंटेंट तो लाइक जरूर प्रेस करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है प्रेस करना और साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले जो है 6A लॉन्च हुआ था तो अभी जो उसका सक्सेसर जो है 7A लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें 7A की, यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशन जो है रिवील हो चुकी है टीना की वेबसाइट के अंदर। दोस्तों 7A में भी आप लोग को जो है ना बड़े बेजल्स देखने को मिल रही है, कोई आप लोग को वो बेजललेस डिस्प्ले नहीं देखने को मिल रही है और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात आती है तो फर्स्ट बात जो होती है वो प्रोसेसर की। और दोस्तों प्रोसेसर की बात होती है तो यहाँ पे आप लोगों को ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन की 439 जो चिपसेट है वो यूज किया गया है। और रैम की बात करें तो यहाँ पे बेस वेरिएंट जो होगा यहाँ पे 2GB का वेरिएंट आएगा, उसके बाद जो है 3GB का वेरिएंट होता है वो अपर वेरिएंट होता है, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल्स वगैरह लीक नहीं हुई अभी तक, जो है सर्टिफाइड नहीं हुआ है वो कि कौन सा अपर वेरिएंट आने वाला है। तो उसके बाद बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4000mAh की आप लोगों को बैटरी देखने को मिलती है। दोस्तों फोन की स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 5.45 इंच की HD डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाती है जो कि एक 720p की डिस्प्ले है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी एस्पेक्ट रेशियो की, यहाँ पे आप लोग को 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाती है। तो पोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई आप लोगों को सी टाइप वगैरह देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं माइक्रो SD स्लॉट की तो यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट आप लोगों को देखने को मिलता है और वहाँ पर आप लोग जो है 256GB तक आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी और रैम की जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि 2GB के साथ आपको 16GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली होगा। तो दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा जो है आप लोग जैसे कि फोटोज के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि 13MP की होगी। साथ यहाँ पे आप लोगों को जो है AI की फैसिलिटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे फेस अनलॉकिंग का भी फीचर जो है फ्रंट कैमरा के अंदर दिया गया है। फ्रंट कैमरा की जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 5MP की AI कैमरा यहाँ पर भी यूज की गई है। तो ये बजट फ्रेंडली में इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इसकी प्राइस रेंज भी बहुत नीचे होगी और बहुत अफोर्डेबल होगा बजट कैटेगरी के फोन जो लेना चाहते हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो Xiaomi हमेशा जो है इंडिया के लिए ऐसे स्मार्टफोन लाते रहता है जो अलग कंपनी वैसे फीचर्स दे नहीं पाती और ये स्पीड के मामले में भी ये बहुत ही अच्छी होती है जो कि उनकी यूसेज भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए दो नए फीचर्स लाए हैं, एक है सीनियर सिटीजन मोड और एक है फैमिली गार्डियन मोड। तो ये दो फीचर्स जो है MIUI 10 के अंदर ही इनबिल्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आउट ऑफ द बॉक्स कौन सा एंड्रॉइड वर्जन आने वाला है तो यहाँ पे आप लोग को एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिलेगी, तो ऊपर में जो है आप लोग को MIUI 10 देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं 3.5mm जैक की, तो 3.5mm जैक दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जरूर मिलेगी। तो 7A में आप लोग को देखने को मिलेगी स्प्लैश रेजिस्टेंस कोटिंग जिसे कहते हैं P2I। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप लोग की जो वाटर स्प्लैशेस वगैरह से इस फोन को बचाने के लिए वो बिल्कुल ही ज्यादा मदद करेगा। तो ये सभी थे स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आप लोग को पता चल रहा है यहाँ पे ऑक्टा कोर की प्रोसेसर देखने को मिलेगी, 439 की स्नैपड्रैगन चिपसेट और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को रैम वेरिएंट 2GB का बेस वेरिएंट होने वाला है। कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा में डुअल कैमरा वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को 13MP की AI कैमरा देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड में आप लोग को 5MP की कैमरा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिसके साथ आप लोग को 10W की जो है USB चार्जर देखने को मिलती है और यहाँ पे आप लोग को 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप लोग को माइक्रो USB जो है ना पोर्ट की सपोर्ट मिलती है और यहाँ पे आप लोग को जो है एक्स्ट्रा माइक्रो SD की डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग एक्सपांड कर सकते हैं 256GB तक। तो ये सभी थे दोस्तों स्पेसिफिकेशन 7A के बारे में जो कि लीक हो चुका है टीना की वेबसाइट के अंदर जो कि कन्फर्म स्पेसिफिकेशन है। तो आशा करता हूँ इंडिया के अंदर ये जल्दी आ जाएगा और ये भी शायद जो है बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन हो जाएगा इस 2019 का। तो दोस्तों देखते हैं अभी Xiaomi की तरफ से क्या क्या लीक्स एंड स्पेसिफिकेशन वगैरह और निकल के सामने आती है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि 28 को जो है K20 की जो लॉन्च है चाइना के अंदर, अगर आप लोग एक्साइटेड है तो मैंने एक वीडियो बनाया तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सएप की बहुत सारी नई फीचर्स है उसके बारे में भी लिंक आई बटन में मिल जाएगी, जाके जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम में अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, @SomVishwas पर्सनल ID है और @FreshUpdates फॉर यू जो है वो है चैनल की ID, तो वो दोनों जाके आप लोग जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर प्रेस करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है प्रेस करो, साइड में घंटी होता है वो भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, टिल देन हैव ए वंडरफुल डे, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सी या, बाय बाय।